मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन प्रियांक सर से है। सर थोड़ा सा एमबीए कोर्स के बारे में जानना चाहेंगे कि क्या क्या ऑफर करता है एमबीए जैसे। ऐसा है कि मोस्टली आईआईएम्स तो जनरल मैनेजमेंट का डिग्री देते हैं, ऑफर करते हैं, ठीक है। अभी इसमें क्या है कि जनरल मैनेजमेंट में आपके पास चॉइस होता है, फर्स्ट ईयर इज कॉमन फॉर एवरीवन, ठीक है। सेकंड ईयर में स्टूडेंट के पास चॉइस होता है कि वो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहता है। एम आई ऑडिबल? हेलो, यस सर ऑडिबल। हेलो, हेलो, हाँ सर ऑडिबल है सर। हाँ ऑडिबल है। हाँ, तो मेरा थोड़ा इंटरनेट कनेक्शन गड़बड़ कर रहा है। तो अभी क्या होता है कि उसमें फिर अलग अलग वर्टिकल्स होते हैं, ठीक है। कैन स्टडी सेल्स एंड मार्केटिंग, कैन स्टडी ऑपरेशंस, ठीक है। उसके बाद फिर इकोनॉमिक्स भी एक ऑप्शन होता है जिसको कोई कंसिडर नहीं करता है, लेकिन यू हैव सब्जेक्ट्स फ्रॉम इकोनॉमिक्स एज वेल। उसके बाद फिर हम लोगों का फिनेंस आ जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से आजकल जो एक बहुत ही ट्रेंडिंग वर्टिकल है, दैट इज एनालिटिक्स, ठीक है। उसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज काफ़ी अच्छे हैं। यूजुअली इंडिया में या कॉरपोरेट में, मैं बोलूँ तो कॉरपोरेट में मोस्टली से हैं, ठीक है, एनालिटिक्स में। लेकिन क्यों? क्योंकि अब मोस्टली लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होते हैं, आईटी से, और वो दोनों लैंग्वेजेस ऐसी हैं कि आईटी में लोग आसानी से सीख लेते हैं उनको। लेकिन उससे अलग मार्केटिंग में कुछ और भी टूल्स हैं जो यूज़ होते हैं, लाइक SPSS, ठीक है। तो SPSS के थ्रू मार्केटिंग फर्म अपना एनालिटिक्स करती हैं। देन गूगल के सर्टिफिकेशन है, तो वो कोई भी बंदा अपने एंड पे कर सकता है। गूगल का सर्टिफिकेशन फ्री अवेलेबल है इंटरनेट पर, ठीक है। तो उसको आप अपना स्किल्स को और ग्रूम करने के लिए आप उसको एडिशनली कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं वर्टिकल करूँ तो वर्टिकल्स में तो यही है कि आप फाइनेंस करना है आपको। एक चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट, ये है कि लोग समझते हैं कि सेल्स और मार्केटिंग सेम चीज़ है, तो वो एक बहुत बड़ा मिथ होता है जो कि एमबीए में जाने के बाद ही क्लियर होता है। उससे पहले सबको लगता है कि सेल्स और मार्केटिंग एक ही चीज़ है, लेकिन सेल्स और मार्केटिंग भी डिफरेंट चीज़ें हैं। तो ठीक है, दो डिफरेंट वर्टिकल हैं जो कि साथ साथ आते हैं, क्योंकि दोनों हैंड इन हैंड जाते हैं। मार्केटिंग होगी तो सेल्स होगी, और सेल्स होगी तो मार्केटिंग। अगर सेल्स नहीं होगी तो मार्केटिंग का कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है। तो मोस्टली लोग सेल्स और मार्केटिंग प्रेफर करते हैं क्योंकि उसमें पढ़ाई कम होती है, ठीक है। बट फाइनेंस में थोड़ा ज़्यादा पढ़ना होता है, लेकिन अगर किसी को मैथ्स में इंटरेस्ट है तो वो फाइनेंस में जा सकता है। कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बोलता हूँ, तो कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से फाइनेंस की अगर हम बात करें, तो फाइनेंस में मोस्टली जो जॉब्स होते हैं आफ्टर एमबीए, वो बैंक्स में होते हैं, ठीक है। बैंक्स में फिर एक आईबी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग वाला डिवीजन होता है, जिसमें ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत ही कम जॉब्स हैं, ठीक है। और वो एकदम बिल्कुल जो टॉप कॉलेजेस हैं, ABC और मे बी ISB, तो वहाँ से ही वो लोग पिक करते हैं स्टूडेंट्स को। अगर जो बहुत ही कॉमन जॉब है फाइनेंस में, जो जो कि Tier 1 Tier 2, इनफैक्ट Tier 2 कॉलेज में जो लगता है, तो वो रिलेशनशिप मैनेजर का होता है बैंक में, ठीक है। तो मोस्टली लोग उसी जॉब को ज्वाइन करते हैं। तो उसमें अगेन वो होता फाइनेंस का जॉब है, लेकिन वो रिलेशनशिप मैनेजर में आपको अल्टीमेटली अपने क्लाइंट्स के साथ रिलेशन मेंटेन करना है, तो वो हो पीपल मैनेजमेंट ही होता है, पीपल मैनेजमेंट ही होता है। उसके बाद सेल्स एंड मार्केटिंग में यूजुअली क्या होता है कि आपको शुरू में सेल्स में ही जॉब करना होता है। उसके बाद अगर आपका कंपनी अलाउ करता है या फिर आपका करियर प्रोग्रेशन उस तरीके से जा रहा है, तो आप ब्रांडिंग में स्विच कर सकते हो, ठीक है। कुछ लोगों का आईटी बैकग्राउंड होता है तो वो आईटी कंसल्टेंसी में चले जाते हैं, ठीक है। उनके लिए वहाँ जाना इजी होता है, ठीक है। कुछ लोगों का एक कंसल्टेंसी भी एक बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट डोमेन है, जो मैंने मिस कर दिया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्टिकल है, तो लोग वहाँ पे भी जा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको इनिशियली थोड़ा एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। मीन आई थिंक 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस काफ़ी ठीक है, ठीक है। और एक जनरल मैनेजमेंट में कुछ प्रोफाइल्स होते हैं जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बताऊं, तो जो कि कॉन्ग्लोमरेट्स लाइक महिंद्रा, टाटा, तो वो लोग, उन लोगों के प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है। तो वो लोग रिक्रूट करते हैं जनरल मैनेजमेंट में। आफ्टर ज्वाइनिंग दीज कंपनीज आप मार्केटिंग में भी जा सकते हो, आप फाइनेंस में भी जा सकते हो, तो वो पहले से डिसाइड नहीं होता है, इसीलिए वो जनरल मैनेजमेंट के रोल को ले जाते हैं, ठीक है। तो आई गेस बस इतना ही है, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा क्लैरिटी हमको पहले से ही माइंड में रखना चाहिए कि मैं MBA करने क्यों जा रहा हूँ, तो फिर आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। अगर आप सिर्फ MBA करने के लिए MBA करने जा रहे हो, तो फिर आप कॉलेज में जाके सोचोगे कि यार MBA में तो एडमिशन ले लिया, आप फाइनेंस लूँ या ना लूँ,
या फिर सेल्स एंड मार्केटिंग करते हैं कॉलेज में, तो कुछ ज़्यादा पढ़ाई नहीं होगी, आसानी से जॉब लग जाएगी, तो वो आपका चॉइस है। लेकिन मैं तो बोलूँगा कि अगर MBA करने जा रहे हो तो वर्टिकल पहले से ही डिसाइड कर लो कि कहाँ जाना है, विद प्रॉपर रिसर्च, ठीक है ना। तो बस नहीं है, थैंक यू सर। सर इसी में एक क्वेश्चन और था कि मतलब सर जैसे गवर्नमेंट जॉब्स हैं क्या सर MBA के थ्रू, अगर किसी गवर्नमेंट जॉब में लैंड करना हो तो? यार देखो एक तो ऑप्शन है UPSC का, ठीक है, जो कि हमेशा ओपन है। मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है जो आप MBA UPSC एजुकेशन कर रहे हैं, तो वो ऑप्शन तो हमेशा ओपन है। उससे अलग अगर मैं बोलूँ तो जितने भी PSUs हैं वो भी रिक्रूट करते हैं, लेकिन वो मोस्टली HR में रिक्रूट करते हैं, ठीक है। HR मैंने मिस कर दिया था, तो वो लोग HR में रिक्रूट करते हैं, ठीक है। अगर हम उसमें CAs को हायर, ठीक है, तो वहाँ पर मुझे नहीं लगता कि इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी है, लेकिन HR के अंदर PSU में अपॉर्चुनिटी है। उससे अलग मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट गवर्नमेंट ऑफिसेज में ज़्यादा कुछ अपॉर्चुनिटीज ऐसी हैं। बाकी यंग प्रोफेशनल के कोर्सेज होते हैं तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हो, बट आफ्टर हैविंग सम एक्सपीरियंस, और वो भी बहुत ही वर्टिकल स्पेसिफिक होते हैं, तो उसमें MBA के लिए मुझे नहीं लगता कि कोई ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। थैंक यू सर। एक और क्वेश्चन था इसी सीरीज में सर कि जैसे अगर कोई स्टार्टअप ओरिएंटेड हो तो किस वर्टिकल की तरफ उसका ये होना चाहिए फोकस? यार देखो स्टार्टअप में क्या होता है ना, स्टार्टअप में आपकी जॉब डिफाइंड नहीं होती कि आप कोई एक पर्टिकुलर जॉब, अगर आप सेल्स में हो या बिजनेस डेवलपमेंट में। स्टार्टअप में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है बिजनेस डेवलपमेंट का, क्योंकि पहले आप जब बिजनेस को बनाओगे, जब स्टार्ट करोगे, तभी तो आप उसके बाद फिर आगे की और चीज़ें, ऑपरेशंस एंड ऑल दीज थिंग्स कम इन टू पिक्चर। तो बिजनेस डेवलपमेंट का एक बहुत ही मेजर रोल होता है, तो अब वो सब आप जो भी करते हो, ठीक है, तो मतलब अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन आपको जब स्टार्टअप में आप काम करने का प्लान कर रहे हो तो फिर आपको हर वर्टिकल में काम करने के लिए तैयार होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए स्टार्टअप में आपका एक्सपीरियंस अच्छा होता है, क्योंकि आपको एक हैंड एक्सपीरियंस सारे वर्टिकल्स का मिलता है, ठीक है ना। अभी मेरी कंपनी में कोई HR नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम लोगों की टीम बहुत छोटी है, तो हम लोग सब आपस में ही मिलकर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इस टाइप से है स्टार्टअप में। थैंक यू सर। अब मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलूंगा। ईशानी मैम से है नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो मैम। हेलो मैम, एम आई ऑडिबल? या यू आर मैम ये क्वेश्चन था कि मैम प्लेसमेंट सिनेरियो वही MBA का, ये जो सर से पूछा था क्वेश्चन उसी का एक एक्सटेंशन है मैम कि जनरली मैम कोर्स की जो फीस है MBA की काफी हाई होती है, राइट? और तो बहुत रिस्क होता है कि लोन लेना होता है, तो मैम उसके बाद प्लेसमेंट सिनेरियो क्या है कि एक बच्चे को कॉन्फिडेंस आए कि मैम चलो MBA परस्यू करना, मतलब ये हिज कप ऑफ टी और नॉट? ओके सो हिज कप ऑफ टी और नॉट, मतलब ये तो मतलब इज इट डिफाइंड बाय द पैकेज? तो सही है, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पैकेज पे बता देती हूँ। पैकेज जनरली ऑन एन एवरेज होता है 12 लाख से 12 to 18 लाख तो रहते ही है ऑन एन एवरेज, और मतलब बहुत अच्छे लोग होते हैं जैसे ABCL है, तो आई थिंक 24 लाख पैकेज, 25 लाख पैकेज जाता है अच्छे कॉलेजेस में, ठीक है। और मतलब ऑन एन एवरेज 20 लाख का पैकेज तो जाता ही है। बट अब हिस कप ऑफ टी और नॉट, इस ये जो है पैकेज क्या मिलता है इससे डिफाइन नहीं होगा। ये डिफाइन होगा कि उनकी क्या प्लस पॉइंट्स है, क्या नेगेटिव पॉइंट्स है। अगर आपको वो पैकेज चाहिए तो वो ये नहीं है कि MBA के थ्रू कॉलेज में जाके हो जाएगा। फॉर इंस्टेंस रितिका जस्ट सेड राइट कि शी वेंट टू द सेम कॉलेज, वो नीटी मतलब उसके थ्रू गई एमटेक के थ्रू, एंड देयर वर सम अदर पीपल हु केम फ्रॉम द MBA साइड। इनका टेक्निकल स्ट्रॉन्ग था, उधर से उनका सॉफ्ट स्किल स्ट्रॉन्ग था, बट अल्टीमेटली दे लैंड अप इन द सेम कॉलेज। सो आपको ये समझना है कि आपका क्या प्लस पॉइंट है। अगर सॉफ्ट स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड यू नो दीज काइंड ऑफ थिंग्स यू आर इनटू, ये आपका प्लस पॉइंट है, देन गो फॉर MBA साइड, क्योंकि आप वहां से बेटर परफॉर्म करेंगे। इन केस नॉट, अगर आपका टेक्निकल स्ट्रॉन्ग है, आपको लगता है कि आप टेक्निकल बहुत अच्छे से वो कर सकते हैं, तब फिर आप एमटेक से जाएंगे। तो अल्टीमेटली वॉट मैटर्स इज कि आपका किस चीज में एक्सपर्टीज है। अगर एक्सपर्टीज आपका जो भी आप कर रहे हो उसमें अच्छा है, एमटेक कर रहे हो, तो एमटेक में यू आर गोइंग टू लैंड विद द सेम लेवल ऑफ पैकेज। आपको IIT बॉम्बे, IIT रुड़की, वहां से भी सेम लेवल ऑफ पैकेज मिलते हैं, और इधर MBA से भी मिलते हैं। लेकिन बात ये कि आप किस तरफ अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। फॉर इंस्टेंस व्हेन आई वाज इन कॉलेज, आई वाज इन NIT, आई रियलाइज कि मेरा भाई नहीं है टेक्निकल, नहीं पढ़ा जाएगा मुझसे। ओके मतलब आई एम डन टिल हियर, एमटेक लेवल मतलब इससे फर्दर डिटेल में आई कैन नॉट गो, दैट्स नॉट माय कप ऑफ टी। Rather, my cup of tea would be to get into marketing and soft skills and communication and all these things.
तो आई डिसाइडेड कि ओके फाइन दिस वुड वर्क बेटर फॉर मी, बट इट्स नॉट द केस विद एवरीवन. कुछ लोगों का टेक्निकल बहुत अच्छा होता है, जिनको बहुत अच्छा समझ में आता है, तो फिर वो एमटेक के थ्रू जाए. तो पैकेज इज नॉट गोइंग टू डिफाइन कि आप मतलब अगर मैं आपको एवरेज पैकेज बता दूं तो वो दैट वुड नॉट से कि वो आपको मिलने वाला है एमबीए करने के बाद. ऐसा नहीं है. आपको अगर टेक्निकल अच्छा है, पब्लिक सेक्टर्स में जाओ, 16 लाख का पैकेज IOCL स्टार्ट करता है, PGCIL स्टार्ट करता है, वहां पे भी बहुत सारे इंसेंटिव्स हैं. ठीक है, तो आप इस चीज को, ये मुझे मतलब कोरिलेशन गलत लगता है. तो आप पहले सबसे मतलब इवन आई कैन सी अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑन द साइड. मुझे लगता है कि कुछ भी स्टार्ट करने के लिए, इफ आई एम टॉकिंग द फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर पीपल मोस्टली, सो दिस इज एड्रेस टू देम, सबसे पहले आप एक हफ्ता लो, ठंडे दिमाग से बैठो, अपने आप को समझो, टेक टाइम टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ फर्स्ट कि आपकी क्या प्लस है क्या माइनस है. ठीक है, फिर उसके बाद आप क्या, आपको रियली क्या एस्पायर कर रहे हो. आर यू एस्पायरिंग फॉर मनी कि आपको इतना पैसा चाहिए, या आपको मतलब कोई एक पर्टिकुलर व्हाइट कॉलर जॉब चाहिए. आपको किस तरह की जॉब करते हुए मजा आएगा, ट्राई टू फिगर दैट आउट फर्स्ट. अगर आपको टेक्निकल करते हुए आएगा, यू हैव ऑल द गवर्नमेंट जॉब्स इन द वर्ल्ड. अगर आपको मतलब आई एम नॉट सेइंग टेक्निकल इधर नहीं है, टेक्निकल इधर भी है, एनालिटिक्स इज वन टेक्निकल, वेरी टेक्निकल साइड. तो आपको पहले यू हैव टू एनालाइज योर सेल्फ फर्स्ट. सबसे पहले अपने आप को अच्छे से समझो, फिर बाकी लोगों का पीपल मैनेजमेंट करना. ठीक है, तो अपने आप को पहले समझो, फिर जब समझने के बाद आपको लगता है कि आपको और समझने के लिए नीड टू एक्सप्लोर कोर्सेज. आई कैन सी अ लॉट ऑफ कंपैरिजन बिटवीन पब्लिक सेक्टर्स एंड एमटेक्स एंड एमबीएस. ट्राई टू एनालाइज देयर कोर्सेज, उनके कोर्स क्या है, उसमें उनको क्या पढ़ाया जाएगा, उसके बाद जो जॉब्स लगती हैं किस तरह का जॉब डिस्क्रिप्शन होता है. ठीक है, आप जब ये करोगे फिर आप देखो कि आपके क्या इंटरेस्ट एरिया में है, आपका क्या प्लस पॉइंट है, किस चीज में, किस चीज की प्रोफाइल में आप ज्यादा फिट बैठ रहे हो, या फिर प्रैक्टिस करके उस चीज को अटेन कर सकते हो, इस चीज को सोचो. ठीक है, फिर उसके बाद जैसे फॉर इंस्टेंस आई कैन टॉक अबाउट एमबीए, सिंस आई जीरोड ऑन टू दैट. आपने जैसे एमबीए का कोर्स देख लिया कि हाँ ये मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, इसको मैं कर सकता हूँ. ठीक है, सबसे पहले डिसाइड हो गया भैया, करियर क्लैरिटी आ गई पहली चीज, क्योंकि वो एक वो भेड़चाल वाला सिनेरियो अब नहीं रह गया, स्पेशली आफ्टर कोविड. ट्रस्ट मी, अब वो सीन नहीं रह गया है कि ये फील्ड बहुत अच्छी है तो इसमें सब लोग चले जा रहे हैं. अब प्योरली एक्सपर्टीज रहेगा, वो आप एमटेक करके आओ, एमबीए करके आओ, चाहे जो करके आओ, अल्टीमेटली इफ यू आर सेइंग कि आई वांट टू वर्क इन दिस डिपार्टमेंट, यू हैव दिस एक्सपर्टीज, इवन विदाउट एनी डिग्री दे विल टेक यू. अब वो टाइम आ गया है. ठीक है, तो आपका सिर्फ ये मैटर कर रहा है. तो आपने जब एक बार जीरो डाउन किया कि हाँ भाई आई हैव दिस गोल क्लैरिटी, लाइफ में मुझे इस तरह का जॉब चाहिए, इस तरह के जॉब करने के लिए मुझे यहाँ जाना होगा. ठीक है, अब उसके लिए क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है. चीजें रिक्वायर्ड में फॉर इंस्टेंस व्हेन वी टॉक अबाउट एमबीए, यू जस्ट आस्क मी द प्रीवियस क्वेश्चन दैट ऑल स्किल्स दैट आर रिक्वायर्ड एंड आई टॉक्ड अबाउट टू मेन थिंग, टाइम मैनेजमेंट एंड पीपल मैनेजमेंट. बिल्कुल ओके, दैट्स अ वेरी वेग आंसर, लेट मी टेल यू. टाइम मैनेजमेंट एंड पीपल मैनेजमेंट दैट कंस्टिट्यूट्स अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स. ठीक है, तो अगर हम एकदम ऑन ग्राउंड लेवल अगर प्रिपरेशन की बात करें, तो भाई जैसे एमबीए भाई डिसाइड हो गया, ठीक है वी आर गोइंग फॉर दिस नाउ, उसमें नाउ यू हैव टू से कि ठीक है आई एम फिट फॉर दिस, आई एम गोइंग फॉर दिस. ओके, ये मेरा दिन है, मेरे को इतना टाइम है, वो अपने कॉलेज के लिए देना ही देना है, डन. कॉलेज के अलावा मुझे एमबीए करना ही करना है, मेरे पास कितना टाइम है, कितना कोर्स है पढ़ने के लिए. ठीक है, तो फॉर फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर पीपल आई वुड से कि प्रिपेयरिंग फॉर द कैट पेपर दैट मतलब दैट इज टू सून. आप अगर बहुत 3-4 साल अगर आप कैट पेपर की प्रैक्टिस करते रहोगे, आई थिंक आप बोर हो सकते हो और थोड़ा आपका इंटरेस्ट खत्म हो सकता है उसके क्वेश्चंस लगाते हो, क्योंकि 10th क्लास की मैथ्स होती है यार, कितना कर लोगे. 10th क्लास का भी तो सिलेबस एक ही साल पढ़ा था ना, अभी 4 साल तो नहीं पढ़ सकते ना. तो उस पर ना आके आप ये सोचो कि जो चीजें और टाइम रिक्वायर करती है, आपकी पर्सनैलिटी स्किल्स टाइम रिक्वायर करती है, एंड VARs इज अ माइनस, राइट. हम लोग जो टेक्निकल साइड पे लोग हैं, हमारा VARs थोड़ा नेगेटिव पे जाता है एज कम्पेयर टू अदर कॉलेज पीपल, यू नो नॉन इंजीनियर स्टूडेंट्स हैव मतलब कंपैरेटिवली अ गुड कम्युनिकेशन स्किल साइड. तो आप इसको देखो कि ठीक है भाई अभी हमें कैट पेपर का नहीं प्रिपेयर करना है, तो बाकी सब चीजें जो टाइम लेती हैं, टाइम कंज्यूम होती है और ऑल सडनली नहीं आ सकते, हम उस पर करते हैं. तो जैसे अभी जस्ट पहले आई टॉक्ड अबाउट ऑल दोज डेवलपमेंट थिंग, पार्टिसिपेट इन एक्टिविटीज, एंड आप जाके करो, आप अपने इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स करो, टोस्ट मास्टर्स क्लब करो, वहां पे जाके एक्टिविटीज करो, यू हैव डन ऑल दीज थिंग्स. देन मनु सेड कि हाँ यू हैव टू स्टार्ट रीडिंग बुक्स, देन वर्ड पार मेड इजी, देयर इज दिस वेरी फेमस बुक ओके फॉर वोकैब, यू कैन स्टार्ट रीडिंग दैट बुक. ठीक है, एप्टीट्यूड एप्टीट्यूड इज गोइंग टू हेल्प यू
इन ईदर वे, मतलब अगर आप स्विच कर जाते हो अचानक से गेट की तरफ, देन ऑल्सो इट्स गोइंग टू बी हेल्पफुल, राइट? स्टार्ट वर्किंग आउट ऑन द एप्टीट्यूड थिंग, आप ये सब करते रहो एंड देन वन ईयर, मतलब 3rd ईयर में आप आ जा रहे हो, देन आई वुड से इट वुड बी द राइट टाइम टू स्टार्ट फॉर द कैट प्रिपरेशन, मतलब द कैट पेपर प्रिपरेशन. कैट पेपर प्रिपरेशन पे जब तक आओ तो तब तक अगर आप अपने इंग्लिश को, मतलब डेली न्यूज पेपर रीडिंग से, आप अपने बुक्स रीडिंग से और अपने मतलब जितने भी एक्टिविटीज इन्वॉल्व हो रहे हो उससे अगर अच्छा कर सकते हो, देन मतलब दैट वुड बी द बेस्ट केस सिनेरियो. 3rd ईयर में जब आप जाते हो तो यू हैव टू बी लाइक, बाय दैट टाइम आई एम अज्यूमिंग कि आप जब कैट के लिए डिसाइड करोगे तो आपको पता रहेगा कि एग्जैक्टली 3 घंटे का पेपर रहता है, राइट? एंड इट हैज गॉट 3 सेक्शंस, VARC एंड DILR एंड क्वांट्स, और वो 3 घंटे में एक एक घंटे का सबका टाइम रहता है. तो आप उस टाइम पे पेपर देने के लिए सीरियस हो जाओ. आप उस समय आपका ये रहेगा कि फॉर इंस्टेंस आप रोज 3 घंटे बैठो, 1 घंटा क्वांट पढ़ो, 1 घंटे VARC पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो, 1 घंटा DILR करो. मतलब आई एम जस्ट डिस्कसिंग माय स्ट्रेटजी है कि आप तीनों को एक एक घंटा आप पढ़ो, एंड एक वीकली आपका टारगेट होना चाहिए. फॉर इंस्टेंस मेरा वीकली टारगेट इनिशियली रहता था कि हर संडे मुझे क्वांट में एक चैप्टर कंप्लीट हो जाना है, DILR में एक टॉपिक कंप्लीट हो जाना है, एंड VARC में आई वुड, मतलब मैं कुछ कुछ टॉपिक्स मार्क की थी, ग्रामर के टॉपिक्स मार्क की रहती थी कि वो कंप्लीट हो जाना है. तो मेरा ऑलरेडी रहता था कि 4.5 आवर्स में डेली डालती थी, उससे ज्यादा मैं डाल नहीं सकती थी. 3 आवर्स फॉर दीज 3 सब्जेक्ट्स, 1 आवर फॉर न्यूज पेपर रीडिंग. रीडिंग मीन्स रीडिंग द न्यूज पेपर. सेकेंड इज वोकैब, जस्ट यू नो मार्किंग आउट ऑल द वर्ड्स. 3rd थिंग इज टू एनालाइज द पेपर, लाइक स्ट्रक्चर कैसे होता है, आर्टिकल कैसे लिखा होता है, दे आर टॉकिंग अबाउट द मेन इश्यू हियर, दे आर टॉकिंग अबाउट द रीजंस, द सिम्टम्स, द कॉजेज, द इम्पैक्ट्स, वो कैसे कैसे स्ट्रक्चर है, एंड देन टू हैव योर ओन व्यू ऑन दैट. ये नहीं कि आपने आर्टिकल पढ़ा, चलो अच्छा है यार दुनिया में ये चल रहा है, ये लोग इस बारे में लिख रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है. यू शुड हैव योर पर्सनल ओपिनियन ऑन एवरीथिंग बिकॉज दैट्स व्हाट दे आर गोइंग टू आस्क यू इन द इंटरव्यू एंड दैट कैन नॉट बी डेवलप्ड इन अ डे. तो व्हाइल यू रीडिंग न्यूज़पेपर यू शुड बी एबल टू डेवलप दैट. तो न्यूज़पेपर रीडिंग में आई यूज्ड टू टेक 1 आवर एवरी डे. मेरा 1 आवर प्यार से जाता था रीडिंग एडिटोरियल एंड एनालाइजिंग इट, देन 1/2 आवर दैट यूज्ड टू बी ऑन माई वे टू माई ऑफिस, 1/2 आवर विद वर्ड पार मेड इजी वो कैब, and 3 hours for this. And 3 hours means मैं मतलब मेरी ये एडवाइस होगी, 3 hours मतलब ये नहीं कि आप 3 hours में एक एक आर बाद में करो, try to do it in a compressed manner. Because when you're giving the paper, you're giving it for 3 hours continuously, right? So you need to have that level of concentration while giving the paper. तो अगर आप जैसे सोचते हो कि अभी के पेपर्स में हम कभी भी पढ़ रहे हैं all, मतलब वहाँ पे जाके हम maintain कर लेंगे that level of concentration or focus, I don't think it's really possible. Unconsciously कहीं ना कहीं आप उतना वो नहीं focus कर पाते हो. You have to have that practice of sitting for 3 hours continuously and, you know, boggling, मतलब पूरा mind अपना 3 अलग-अलग sections में डालना. तो when you, आप preparation जब start करोगे, you'll start doing this. And I think just 5 months before the paper, at least 5 months before the paper, you'll have to start giving your mock exam. That's very important. Mock exams, I think it's the deal breaker. जो जितना mock test किया रहेगा, that would be better for that person. So mock test का ये scene है कि आप हर संडे, मतलब वीकली मॉक टेस्ट एक देते रहो, एंड जिस दिन आप मॉक टेस्ट दोगे उस दिन सिर्फ आप मॉक टेस्ट को एनालाइज करोगे, कुछ और नहीं. That should be it. And ऐसे जब करते रहो, एंड फिर नवंबर में जनरली पेपर होता है, तो नवंबर पूरा आप ब्लॉक कर दो कि आप सिर्फ मॉक टेस्ट दे रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो. अक्टूबर आप पूरा वो कर दो कि उसमें आप पेपर रिविजन कर रहे हो, अपने सब्जेक्ट का रिविजन कर रहे हो. And September is practically the time जब तक आपकी preparation हो जानी चाहिए. तो you have to calculate it backwards, right? कि आपकी तब तक preparation हो जानी चाहिए, तो आप उसके accordingly अपना plan करोगे schedule. This is how I feel you should go about it. Thank you, ma'am. Actually, the most detailed explanation, I guess, ma'am. बच्चों को बहुत फायदा होगा इससे. And ma'am, एक इसी सीरीज में क्वेश्चन और था कि जैसे कुछ लोगों को ma'am जो नए IIMs हैं या नए colleges हैं वो मिलते हैं, तो ma'am थोड़ा सा हेजिटेशन रहता है कि मतलब इस कोर्स को करना चाहिए नहीं, इसके बारे में हम थोड़ा सा डाउट क्लियर कर दीजिए. कॉलेजेस में समझी नहीं, मतलब मैम जैसे IIM ABC के अलावा अगर जो दूसरे कॉलेजेस हैं IIM या फिर ये, दैट डिपेंड्स ऑन योर एनालिसिस, राइट? योर वर्सेस योर कॉलेज एनालिसिस. मतलब नो डाउट ABC, LIK, दीज आर द बेस्ट वंस, राइट? मतलब इसमें आपको मिल रहा है तो यू विल
गो विदाउट अ ब्लिंक, बट इफ यू आर गिविंग द न्यू आंसर एंड लाइक, तो फिर आपको अपनी पॉसिबिलिटीज देखनी रहेगी कि आपका यहाँ पे मतलब वहाँ का प्लेसमेंट सिनारियो क्या है. सबसे पहले तो आप उस कॉलेज को स्टडी करोगे, राइट, क्या उनका प्लेसमेंट सिनारियो क्या है, आप जिस कोर्स में स्पेशलाइजेशन करना चाह रहे हो उस पर्टिकुलर कोर्स की कैसी फैकल्टी है, उस पर्टिकुलर कोर्स का प्लेसमेंट कैसा है, उसकी लोके मतलब इज इट अ ग्रोइंग ब्रांड. फॉर इंस्टेंस अ लॉट ऑफ न्यू आईएम्स हैव ओपनड अप नाउ, यू हैव टू रियलाइज कि कौन सा आईएम ग्रोइंग है, डेवलप कर रहा है ब्रांड, एंड कौन सा डिक्लाइनिंग ब्रांड है. ओके, बिकॉज विद न्यू आईएम्स द सिनेरियो इज, फॉर इंस्टेंस इन माय कॉलेज इन द फर्स्ट 5 years अ लॉट ऑफ कंपनीज लाइक दे डू कम फॉर सेमिनार्स एंड ऑल दीज ऑक्टेव्स, बट दे नेवर कम फॉर द प्लेसमेंट बिकॉज दे हैव दिस क्राइटेरिया इन देयर ऑफिस कि दे कैन नॉट विजिट द कॉलेज अनलेस इट्स 5 years ओल्ड, राइट. तो उस वजह से, बट सडनली लाइक फॉर इंस्टेंस आई एम लाइक फॉलोइंग आई एम नागपुर माई ओन कॉलेज, तो वहां पे भी 5 years कम्प्लीट होते ही दे हैव हिट दिस 42 लाख पैकेजेस. इनिशियली इट वॉज इन द केस, बट नाउ वी हैव रियलाइज इट्स अ ग्रोइंग ब्रांड, मतलब इट्स अ ग्रोइंग ब्रांड. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वो ग्रोइंग है कि नहीं है, उसकी जो लोकेशन है उसको फायदा दे रही है कि नहीं दे रही है. फॉर इंस्टेंस नागपुर है जैसे, तो उसको पुणे, मुंबई, यू नो ऑल दीज फाइनेंशियल कैपिटल सिटीज, तो ये उसको सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि कंपनीज कैन इजिली कम देयर. दिस इज वन नेगेटिव पॉइंट विद केनआईटी सुल्तानपुर कि वो इतना अलूफ है कि वहां पे कंपनीज नहीं आ पाती हैं. तो आपको ये लोकेशन देखनी पड़ेगी फर्दर कि ये चीजें मैटर कर जाती हैं, बहुत माइन्यूट होती है बट मैटर कर जाती है कि उसकी प्लेसमेंट कैसी है, वहां की फैकल्टी कौन सी है, मेंटोर कौन है, मेंटोरशिप का अभी कितना पोर्शन बचा हुआ है. मतलब फॉर इंस्टेंस इन माय एट माय टाइम देयर वर लॉट ऑफ प्रोफेसर्स हु वर कमिंग फ्रॉम आईएम हैदराबाद एंड बैंगलोर, बट नाउ रिसेंटली दे हैव स्टॉप्ड कमिंग बिकॉज़ द 5 years टेन्योर इज ओवर, लाइक प्रोबब्ली देयर कॉन्ट्रैक्ट इज ओवर. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यू हैव टू टॉक टू यू नो करेंट स्टूडेंट्स एंड अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली क्या सिनेरियो, एंड फिर आप वे करो आपके पास जितने भी ऑप्शंस हैं, एंड आपका प्लस खुद का क्या है कि इफ यू गो देयर आप कितना पैकेज मतलब एक्सपेक्ट करोगे, कितना आप उसका फीस पे करोगे, तो वो आप पे है टोटल. थैंक यू मैम, ये बहुत ही मैम इन्फॉर्म डिसीजन लेने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा मैम ये आंसर, थैंक यू सो मच मैम। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मनु सर से है, सर ये भी थोड़ा डिटेल में ही इसका एक्सप्लेनेशन चाहेंगे। मनु सर हेलो, हेलो मनु सर, एम आई ऑडिबल? सर व्हाट शुड बी द डेली टाइम टेबल ऑफ अ कैट एस्पिरेंट? मैम ने इसका बहुत अच्छे से आंसर दिया सर, प्लीज इस पे थोड़ा एड ऑन कीजिए ताकि जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको एक क्लियरिटी पूरी तरह से मिल जाए कि क्या मतलब उनका रूटीन क्या रहना चाहिए। शाइनी मैंने बहुत अच्छे से डिटेल एक्सप्लेनेशन दे दिया, वैसे तो यस सर इसमें ज़्यादा कुछ ये बची नहीं है. यस सर मैं इसमें ये ऐड करूँगा कि जैसे हमने कहा स्टार्टिंग के जो आपके 2 ईयर्स हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, उसमें आप ना फोकस इंस्टेड ऑफ कैट आप जो है फोकस अपने आप पे करो, अपने प्रोफाइल पे करो. बिकॉज क्या होता है ना कि जिस दिन आप पीआई के लिए बैठेंगे, पीआई में आप पैनल में बैठेंगे सामने, तो यू नीड टू हैव समथिंग इन योर सीवी और इन योर प्रोफाइल टू शो. उस दिन आपके पास ब्लैंक नहीं होना चाहिए. तो आप ये 2 साल 3 साल स्टार्टिंग के जो आपने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में आप जो करोगे अपने लिए, चाहे आप क्लब कमेटी ज्वाइन करो, चाहे आप काउंसिल या जो फोरम ज्वाइन करो, चाहे आप नई इनिशिएटिव लो, चाहे आप टीम बिल्डिंग करो, लीडरशिप स्किल शो करो, कहीं भी कुछ भी किया हो आपने, चाहे आपने क्रॉस आईआईटीज इवेंट्स पार्टिसिपेट किए हों, जीते हों, एनआईटी में ज्वाइन किया हो, अपने आप को कुछ ऑर्गेनाइज किया हो, कल यहाँ जो टेक्निकल फेस्ट होता है, कल फेस्ट होता है, इन सब में आपने पार्टिसिपेट किया हो, ऑर्गेनाइज किया हो, ये क्या चीज़ें शो करने की होती है वहाँ पर. तो आप स्टार्टिंग में जो आपका टाइम है आप उस सब में इन्वेस्ट करो, आप अपने आप एक प्रोफाइल बनाओ, क्योंकि कैट के लिए चाहे कैट बोलो चाहे आई एम एन अंदर बोलो, आपके बैलेंस प्रोफाइल होना बहुत ज़रूरी है. आप ये वन साइड वन शॉट पर नहीं चल सकते. आप जो है सिर्फ अकेडमिकली आप अच्छे हो वो हमेशा नहीं चल सकता. तो आपको एक डाइवर्स एक अच्छी बैलेंस प्रोफाइल बनानी पड़ेगी. और मेरे लिए एक जो है मैं जब था अपने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में थर्ड ईयर में, तो मेरे पास मैथ का मैं मेंबर था स्टार्टिंग से ही, मैं कोशिश ज्वाइन कर चुका था, तो मेरे पास वही सब दिखाने के लिए बहुत कुछ था वहाँ पर. तो ये मुझे वहाँ फ़ायदा मिला. और ये सिर्फ पीआई में नहीं, पीआई में तो आप बताएंगे कि आपने ये सब किया है, उसके हिसाब से आपका पूरा इंटरव्यू वो हो जाता है, डिसाइड हो जाता है कि आप क्या क्या इंटरव्यू नेक्स्ट राउंड में पूछने वाला है. तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपके पास आप ऐसी चीज़ें आप समझाइए, आप ऐसी चीज़ें उसके सामने दिखाइए कि आप जो है आप खुद डिसाइड कर पाएँ कि आपका इंटरव्यू कैसा होने वाला है. अब आपके पास ज़्यादा चीज़ दिखाने की नहीं होंगी तो इट विल बी बॉल इन बी इन देयर गेम. वो कुछ ही पूछ सकते हैं, वो टेक्निकली पूछ सकते हैं, हो सकता है आपने टेक्निकल फोकस ही ना किया हो. मैंने नहीं किया था ज़्यादा फोकस उस टाइम तो, लेकिन मेरे पास ये चीज़ दिखाने के लिए बहुत थी. मेरे पास
अपने कॉलेज में जितने भी इवेंट्स हुए हैं, पार्टिसिपेशन किए हुए हैं, वो भी पास थे। मैंने आईआईटी कानपुर का चेफ फेस्ट होगा वो था, और एमएनआईटी का फेस्ट में पार्टिसिपेट किया था, जीता था, वो सब था। तो ये सब मैं दिखाने के लिए, मेरे पास बहुत कुछ था दिखाने के लिए, मैफ का मेरे पास एक्सपीरियंस था दिखाने के लिए। तो सारा मेरा इंटरव्यू उसी पर पूरा बेस हो जाता है, उसी का बेस हो गया कि। तो यही बोलूँगा कि स्टार्टिंग आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर आप उससे फोकस करो, आप प्रिपेयर करते जाओ कैट की, जो भी आप जो है आप लग रहा है आपको कि आपको जाना चाहिए, प्रोफाइल बिल्डिंग करनी है आपको अपनी, आपको सॉफ्टवेयर स्क्वायर करने हैं, आपको यू नो पब्लिक स्पीकिंग पे काम करना है, या आपको वोकैबुलरी पे काम करना है, उस सब पे करो। वोकैब के लिए हाँ, अगर वोकैब आपको सुधारनी है तो एक मेरे पास मतलब एक अच्छा वो है ऑप्शन, आप vocab.com एक वेबसाइट है, आप वो ज्वाइन कर लो, वहाँ पर आप अकाउंट बनाओ डेली आपका, आप जब भी आप फ्री टाइम है आपके पास, चाहे आप फ़ोन पे चलाओ चाहे लैपटॉप चलाओ, सोने से पहले आप 10 मिनट उस पर आप अपना टाइम लगा सकते हैं कि आप कि यू नो उसमें वर्ड फ्लैश होंगे, आप उसका मीनिंग बताएंगे, इसके बाद आपको पॉइंट बनते हैं, वर्ड आप रिकर करेंगे तो आपको याद रहेगा, वोकैबुलरी आपको ऐसे याद रहेगी, आप ऐसे जो है कर सकते हैं। और बाकी मैम ने बताया ही, एक चीज़ और है कि आप जो है ये है कर सकते हैं कि जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है, जैसे आपको आपको वो कैब भी है, चाहे आपके पॉइंट भी है, चाहे आपको शॉर्टकट्स आपको समझने, आप उस चीज़ का एक रूटीन बना लो कि आपको सोने से पहले ये चीज़ आपको ख़त्म करनी करनी है। मेरा बनाया हुआ था कि मैंने जो है जैसे कि रेशोज़ के चार्ट बना के घर पे लगा रखे थे कि सोने से पहले वो चार्ट देखने हैं मुझे, क्योंकि सोने से पहले मुझे वोकैबुलरी का vocab.com पर आधा घंटा मेरे वेट लगाना ही लगाना है। तो ये इस तरीके हैं, कुछ चीज़ें हैं जो आप पढ़नी चाहिए बिल्कुल, बाकी मैम ने बता दिया, तो आई विल रीड इट देयर। थैंक यू सर। सर टाइम टेबल तो ठीक है सर, और मतलब ये जो एक जनरल एक मिसकंसेप्शन ये भी रहता है कि भाई इतने घंटे नहीं दे रहे हैं, तो भले ही वो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, लेकिन कॉन्फिडेंस लूज करके बैठे हैं कि मतलब मैं पूरे घंटे नहीं दे पा रहा हूँ, और लोग तो दिन भर पढ़ रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। तो सर इस पे थोड़ा सा और चाहेंगे सर, ये मैटर नहीं करता, कुछ के लिए कॉन्ट अच्छी होती है तो वो ज़्यादा कम टाइम देना पड़ता है, किसी का VIDR ज़्यादा वीक होता है तो ज़्यादा वहाँ टाइम देता है। तो ऐसा अगर आप सोचते हैं कि आप टाइम कम दे पा रहे हैं अपने आप को, तो ये सही नहीं है। प्रॉब्लम बस आप ये देखिए कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं और आपको कहाँ पहुँचना है, और आपके उसके कितना एफर्ट डालना है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको ये समझना जरूर पड़ेगा कि आप वेयर आर यू स्टैंडिंग, हाउ मच एफर्ट यू आर मेकिंग टू रीच योर गोल। तो वंस यू हैव डिसाइडेड कि आपका गोल कहाँ है, आपको कितने परसेंटाइल पे लाना है, या कौन से कॉलेज से पहुँचना है, आप वहाँ तक जाने की उतनी मेहनत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और नहीं कर रहे हैं तो आपको करनी चाहिए। थैंक यू सर। थैंक यू सर। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन रितिका मैम से है। मैम सेम स्ट्रेटजी के ऊपर ही ये क्वेश्चन है, बट ये गेट के लिए है मैम, जो हमारे गेट के एस्पिरेंट्स यहाँ पर हैं मैम इस वेबिनार में, कि मैम इसके क्या रिसोर्सेज और कैसी एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए, तो उसका मैम एक डिटेल में जानना चाहेंगे। हाँ बिल्कुल, सो आई विल डिवाइड इट इनटू लाइक फ्यू पार्ट्स, फॉर पीपल हु आर इन फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर, एंड फॉर पीपल हु आर इन थर्ड ईयर एंड फाइनल ईयर, उनके लिए जो स्ट्रेटजी होगी वो बिल्कुल अलग होगी। सो फॉर पीपल हु आर इन फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, आपको कॉलेज में वही सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं ऑलरेडी, तो फर्स्ट थिंग आई विल से कि आप पूरा फोकस अपना, जब आपके प्रोफेसर्स आपको क्लास में पढ़ा रहे हैं, आप वहां पे रखो अपना पूरा फोकस, क्योंकि नॉर्मली होता है कि इतनी पढ़ाई करके आप कॉलेज में एडमिशन लेते हो कि आपको बैक ऑफ द माइंड रहता है कि अरे कॉलेज जाते अब तो पढ़ाई नहीं करनी है, डोंट डू दैट। जब आप क्लास में बैठे हुए हो, जब प्रोफेसर्स आपको पढ़ा रहे हैं, आप अपना फोकस पूरा पूरा वहां पे रखो, तो वहां से आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड होंगे। और जो गेट है, इट्स ऑल अबाउट एप्टीट्यूड, पूरा एप्टीट्यूड एग्जाम है। अगर आपके कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो गए और आपने इनफ प्रैक्टिस की है, तो आप गेट बहुत आराम से निकाल सकते हो। फॉर पीपल हु आर ऑलरेडी इन थर्ड ईयर फाइनल ईयर, एंड आई एम अज्यूमिंग कि आपने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में उतना फोकस नहीं किया है, तो फिर आपको ये दो साल बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि जो टेक्निकल साइड वाला होता है, आपका सिलेबस बहुत बहुत वास्ट होता है, इतने सारे बुक्स होती हैं, इतने सारे टॉपिक्स होते हैं कि आप कवर कर लो चार साल का यू नो कोर्स छः महीने में, वो पॉसिबल नहीं होता। तो अगर आप सीरियसली गेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको थर्ड ईयर से लग के पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपको श्योर करना पड़ेगा कि आप अपने कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर लो, और एक बार आपके कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो गए, देन गेट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जो एक कॉमन मिस्टेक जो होती है गेट में, वो मैं बता देती हूँ, क्वेश्चंस बहुत सिंपल होते हैं, अगर आप उन्हें देखो 70% ऑफ द क्वेश्चंस बहुत फॉर्मूला बेस्ड होंगे, बट आप वहाँ पे मिस्टेक्स बहुत छोटी छोटी करते हो, बहुत स्मॉल मिस्टेक्स होंगी, कभी आपने माइनस नहीं लगाया, कभी आपने मैट्रिक गलत कर दिया, आंसर मीटर में पूछ रहा था, आपने सेंटीमीटर में आंसर दे दिया, और चूंकि ऑप्शंस इतने क्लोज होते हैं कि आपको मिस्टेक्स करते ही करते हो,
तो वहां पे प्रैक्टिस बहुत रोल प्ले करती है. तो एक बार आप अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लो, इसके बाद प्रैक्टिस करो, और प्रैक्टिस के बाद आपको एनालाइज करना है कि किस तरह की मिस्टेक्स आप रिपीट कर रहे हो. तो जैसे ईशानी मैम ने बोला कि आप पूरा एक दिन डेडिकेट करो मॉक टेस्ट के लिए, सेम चीज यहाँ पे भी एप्लीकेबल है. आप पूरा एक दिन डेडिकेट करो मॉक टेस्ट, दो बैठ के एनालाइज करो अपने क्वेश्चंस को और अपनी मिस्टेक्स की लिस्ट बनाओ, और फिर फर्दर उसको एनालाइज करो कि वो मिस्टेक्स आप कम कर रहे हो क्या. जितने ज्यादा मॉक टेस्ट आप देते जा रहे हो उसके साथ आपकी मिस्टेक्स कम हो रही है क्या. अगर हो रही है तो आप पॉजिटिव ट्रैक में हो, अगर नहीं हो रही है तो यू हैव टू चेंज योर स्ट्रेटजी. एंड देन फ्यू पार्ट ऑफ गेट जो आता है वो होता है आपका मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड. कुछ लोग उसको लेके बहुत परेशान रहते हैं, वो उतना ज्यादा नहीं है. मतलब इट वुड कॉन्स्टिट्यूट ऑफ, इफ आई कैन रिमेम्बर क्लियरली, सेट 30 मार्क्स अराउंड. व्हाट नो, सॉरी, पार्डन, एप्टीट्यूड एंड मैथमेटिक्स, 30 मार्क्स दोनों मिला के 30 मार्क्स. या तो आप उसमें उतना फोकस या उतना परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है. साइड बाई साइड जब आपका टेक्निकल पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, आप मैथ लगा लो, आप एप्टीट्यूड लगा लो. एप्टीट्यूड तो मतलब अगर आप वो करते हो, आपको पसंद है, तो एप्टीट्यूड और इंग्लिश थोड़ा एंजॉयबल हो जाता है. तो आप टेक्निकल से बोर हो गए हो तो थोड़ा सा टाइम आप एप्टीट्यूड और इंग्लिश और मैथ्स को दे दो, तो आपको चेंज भी मिल जाएगा वहां पे और आपकी वो प्रिपरेशन भी हो जाएगी. थैंक यू. इसी में एक चीज और पूछनी थी कि जो मैम शॉर्ट नोट्स होते हैं ना, कुछ लोग बनाते ही नहीं है, एकदम लास्ट टाइम तक नहीं बनाएंगे, तो मैम उसका कब क्या इम्पोर्टेंस है? थोड़ा सा बहुत इम्पोर्टेंट है, वो लिटरली बहुत इम्पोर्टेंट है. तो अगेन गेट में फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन होते हैं, काफी हद तक फॉर्मूला एंड कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं. तो आपको अगर वो रूल्स पता है, वो बहुत बहुत क्रूशियल रोल प्ले करते हैं रिविजन करने में. अगेन द सिलेबस इतना वास्ट होता है कि आप सब कुछ रिवाइज नहीं कर सकते फटाफट, तो शॉर्ट नोट्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. तो आप शॉर्ट नोट्स स्टार्टिंग से ही, जब आप अपने प्रिपरेशन कर रहे हो, जब आप अपने कॉन्सेप्ट बना रहे हो, उनको बनाना स्टार्ट करो. और जैसे जैसे आप रिवाइज करते जाओगे ना, आप उनको और शॉर्ट करते जाओ. इतना शॉर्ट कर लो कि आप ऑलमोस्ट एक दिन में, अगर आप चाहो ऑलमोस्ट एक दिन में यू कैन कवर एंटायर पूरा सिलेबस गेट का, इतना कर लो आप. तो वो बहुत जरूरी है शॉर्ट नोट्स. लाइक I cannot emphasize enough on the importance of short notes. मैम लास्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है मैम, कि टेस्ट सीरीज का जो एक आता है ना टाइम, हम जैसे अभी जुलाई चल रहा है तो कुछ लोग अपीयर करेंगे नेक्स्ट ईयर, तो मैम व्हाट शुड बी आइडियल टाइम? वैसे तो सबके लिए डिफरेंट होगा, बट नॉर्मली कब से शुरू कर देना चाहिए? हाँ, तो टेस्ट सीरीज का भी वही है, वो डिपेंड करेगा हाईली आपने कितना अपना कॉन्सेप्ट बना रखा है. अगर आपने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की और आपने टेस्ट सीरीज से चीजें स्टार्ट कर दी तो आपके लिए बहुत डिप्रेसिंग हो जाएगा. अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो टेस्ट सीरीज में भी सब्जेक्ट वाइज चलता है. स्टार्टिंग में कुछ सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज होती है, इसके बाद कुछ कंबाइंड सब्जेक्ट्स होते हैं, इसके बाद फिर पूरा मॉक टेस्ट होता है फुल. तो आपको स्टार्ट करना है, आप जैसे जैसे सब्जेक्ट्स अपने कंप्लीट करते जाते हो वैसे वैसे आप एक एक टेस्ट सीरीज देते जाओ, और फिर जब आपको लगे कि हाँ यू हैव कंप्लीटेड लाइक एंटायर सब्जेक्ट, इसके बाद फिर आप फुल स्ट्रेंथ जो मॉक टेस्ट होते हैं वो स्टार्ट करो. आई सजेस्ट कि अगर आप सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हो तो अगस्त से मोस्टली स्टार्ट हो जाता है. तो अगर आप अगस्त से स्टार्ट नहीं कर रहे हो तो मैक्स टू मैक्स नवंबर तक आते आते आपको मॉक टेस्ट सीरियस होके देना शुरू कर देना चाहिए. थैंक यू मैम.